हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 25 दिसंबर है, इसलिए आप सभी लोगों को मेरी क्रिसमस बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। आरओ 2023 के लिए आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो आज कोई भी टारगेट्स आपको लोग नहीं दिए गए हैं। ब्रेक लीजिए, प्रॉपर धूप लीजिए, रेस्ट करिए। कल से फिर आपको सारे टारगेट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। शेड्यूल एंड सारी चीज़ें आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं, शेयर की जा चुकी हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग आप चल भी रहे हैं। अब जो यहाँ से अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 45 दिन बचे हुए हैं, डेढ़ महीना बचा हुआ है। इस डेढ़ महीने में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पिलर्स हैं जो आपको तगड़े रखने हैं? अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करना है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ आपको शॉक ना लगे, आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ, ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो आपके पिलर्स मजबूत होने चाहिए। तो वो पिलर्स कौन से हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं हर चीज़ के पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करूँगा, ध्यान से उनको समझिएगा। देखिए, सबसे पहला आपका पिलर है PYQ। मैंने कई बार इसको समझाया हुआ है, जितने भी लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को बहुत बेहतर तरह से जानते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की PDF भी बहुत पहले ही दे दी थी, आज से करीब 4-5 महीने पहले दे दी थी, जून जुलाई में ही दे दी थी मैंने। वो आपके पास ऑलरेडी है, उससे आपने चीज़ों को काफ़ी तैयार भी किया हुआ है। नहीं किया है तो उनको करिए, डेढ़ महीने हैं आपके पास, यू कैन, अभी भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो UP PSS के प्रीलिम्स के हों, चाहे वो RO/RO के प्रीलिम्स या मेंस के हों, इधर 8-10 सालों में जो भी हुए हैं, UP PSS में बेसिकली आप 5-6 साल का ले सकते हैं, उनको आपको तैयार करना है। और अगर आपने पहले से तैयार कर लिया है तो उनको रिवाइज़ करते रहिए। उसका क्या बेनिफिट है, मैंने अभी 2 दिन पहले एक और आपको वीडियो में बताया हुआ था कि उसका एक हिडन फायदा क्या है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो PYQ आपको बहुत अच्छा रखना है। अगर आप PYQ को अच्छा करके जाएंगे, उसमें जो टॉपिक्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो पूछी जाती हैं, जिस पर आयोग फोकस करता है, अगर आप उन पर फोकस करेंगे रादर देन टेस्ट सीरीज़, कि आप टेस्ट सीरीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसके बजाय अगर आपका फोकस PYQ पर होगा, उसकी चीज़ों पर होगा, तो आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो PYQ की वैल्यू आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करनी है, उसको कम नहीं आंकना है। दूसरी बात आती है घटना चक्र की। घटना चक्र आपने बहुत अच्छे से पहले से पढ़ा हुआ है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने घटना चक्र को नहीं पढ़ा है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, उन्होंने घटना चक्र की जगह बाकी सोर्सेज को किया हुआ है, तो वो उनको रिवाइज़ करेंगे। कोई इसमें ऐसी फोमो नहीं होना चाहिए आपको, यानी कि फियर नहीं होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ मिस कर दी है, मैंने घटना चक्र मिस कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं और से वो चीज़ पढ़ी हुई है। व्हाट रियली मैटर्स इज कि आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को किया है कि नहीं, जो आयोग पूछता है। सपोज अगर आयोग ट्रैवलर्स के बारे में पूछता है, या महात्मा गांधी जी के बारे में पूछता है, या भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछता है, एंड इफ़ यू हैव स्टडीड दैट, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे आपने घटना चक्र से पढ़ाओ, चाहे आपने किसी किताब से पढ़ाओ, कहीं से भी पढ़ाओ, किसी कोचिंग के नोट से पढ़ाए, तो भी कोई बुराई नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जिन लोगों ने घटनाचक्र को अच्छे से पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करिए। अब रिवाइज़ कैसे करना है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, तो मैं इस बारे में यू नो यहाँ बात नहीं करूँगा। आप लोग सिंसियर हैं, मैच्योर हैं, आप लोगों ने उनको अच्छे से रिवाइज़ किया हुआ है, आप उसको लगातार अभी भी रिवाइज़ कर रहे हैं, तो उसको साइकिल्ड वे में चीज़ों को तैयार करते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस टॉपिक में क्या ध्यान देना है, कितना नहीं देना है, मैंने सारी चीज़ें शेयर कर रखी हैं टेलीग्राम पर भी। मैं PDF के थ्रू मैंने जो टारगेट्स दिए हैं उसमें मैंने प्रायोरिटी वाइज दिया हुआ है। अगर मैंने किसी टॉपिक को पहले दिया हुआ है, किसी टॉपिक को बाद में दिया हुआ है, तो उसके पीछे देर इज़ ए रीज़न, है ना, तो वो आपको समझना है। तो आपको उसी प्रायोरिटी में चीज़ों को करना है, अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेना है। ऑब्वियसली लाइक इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, तो आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा कैलिब्रेट कर लीजिए कि हाँ ठीक है, ये मैं पहले करूँगी, ये मैं बाद में करूँगा, है ना, इस टाइप से। तो घटना चक्र को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, PYQ को ये सप्लीमेंट करता है। जैसे PYQ में आपने चीज़ें देखी, तो सबको सबसे ईजी सोर्स आपके लिए होता है घटना चक्र का, ये बात आप जानते हो, आपने 50 वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर, एंड हर किसी ने घटना चक्र की जो वैल्यू है उसके बारे में आपको बताया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये तो आपके दिमाग में बैठ चुका है कि अगर आपको UPPSC के अंदर एग्जाम को क्लियर करना है, तो उससे सबसे इजी रास्ता जो आपको मिलता है वो घटना चक्र से होके जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, एंड किसी भी कैंडिडेट के माइंड में ये डाउट अब तो नहीं होगा। अगर है तो उसको आप अभी यहाँ से भी मिटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो PYQ और घटना चक्र एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे, तो ये आपके 2 पिलर्स हो गए। तीसरा आपका जो पिलर आता है वो आता है टेस्ट सीरीज़ का। टेस्ट सीरीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। परेशान होने का मतलब ये होता है कि टेस्ट सीरीज़ कौन सी लगा रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, टेस्ट सीरीज़ कैसे लगा रहे हैं ये मैटर करता है। उसमें जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप फिगर आउट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कि इसमें क्या दिया गया है और ये मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर आपको ये पता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपको दे दी जाए, आप उसमें से आंसर निकाल ले जाओगे, आप उसमें से चीज़ें निकाल ले जाओगे कि आपके काम की क्या है। बट अगर आपको ये अभी तक आपने फिगर आउट नहीं किया अपनी प्रिपरेशन में कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, UPSC क्या चीज़ पर फोकस करता है, किन चीज़ पर किस पर नहीं करता है, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप टेस्ट सीरीज़ के पीछे भागोगे, चेस करोगे, फिर आपसे टेस्ट सीरीज़ रिवाइज़ नहीं होंगे, फिर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाओगे, एंड आप अल्टीमेटली फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, और आपके दिमाग में डर डेवलप होता रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई इंसान 20 टेस्ट लगा रहा है, कोई इंसान 4 कोचिंग की टेस्ट लेकर के बैठा हुआ है, कोई इंसान 20-15 लगा रहा है, तो इससे क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक एंग्जाइटी क्रिएट होती है, एंड जैसे एग्जाम पास आएगा ये एंग्जाइटी बढ़ती है। तो इसलिए 5 टेस्ट लगाओ, 10 टेस्ट लगाओ, DIIS पकड़ लो, 10 टेस्ट धे के लगा लो, GS World के लगा लो, PCS मंत्रा के लगा लो, किसी के भी लगा लो, मैटर नहीं करता किसका लगा रहे हो। जो सबसे सबसे जो एक टू द पॉइंट आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिल जाता है वो DIIS है, तो इसलिए DIIS का लगा लो। अगर आपके पास कोई और है, आपने कोई और कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, या आपके पास अगर उनका है तो उनका लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई ना वो ज़्यादा मैटर करती है। तो वो आपको स्किल है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में यू नो बात की हुई है कि कैसे एनालाइज करते हैं चीज़ों को, कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या वो छांटते हैं, आईओ किन चीज़ पर फोकस करता है। मैंने प्रॉपर एनालिसिस के वीडियो बनाए हुए हैं, आरओआरओ के जो पेपर्स हैं ना, यूपी पीसीएस जो पेपर है उनके क्वेश्चन को मैंने डिकोड किया हुआ है यार, उसको जाकर के देखो, उसको अगर आपने देख लिया समझ लिया तो यू नो आपके दिमाग से डर निकल जाएगा। वो सब आप ही के लिए हैं, आधे आधे घंटे के 45-45 मिनट के वीडियो हैं, लेकिन वो उन्हें मैंने ऐसी चीज़ें शेयर की हुई हैं जो यूट्यूब पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी। मिले तो मुझे दिखा देना, मुझे लिंक शेयर कर देना, बता देना कि देखो ये चीज़ें इन्होंने भी बताई हुई है। आपके लिए है ये सब, सो दैट आपके लिए जो प्रोसेस है, जो चीज़ें हैं वो ईज आउट हों, आपके लिए आसानी हो, आप बेटर वे में समझ पाओ चीज़ों को। एग्ज़ाम के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, एक महीने पहले, डेढ़ महीने पहले जो एंग्जाइटी होती है वो ना हो। मेरे पास डेली 200 से 250 मैसेजेस आते हैं जिसमें यू नो लोग बहुत इसमें डर रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उस चक्कर में 3 दिन पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसी के लिए मैंने यू नो पिछले 4-5 महीनों में इतनी सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं जस्ट फॉर यू गाइज। तो उन चीज़ों को आप समझिए। टेस्ट सीरीज़ में आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें PYQ में पूछी गई हैं या आती हैं वो आपने घटना चक्र और ल्यूसेंट से नहीं पढ़ी। ल्यूसेंट का भी मैं आपको रोल बता देता हूँ। देखिए ल्यूसेंट में क्या है, बहुत बेसिक फैक्ट्स अच्छी तरह से दिए होते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, एनवायरनमेंट हो, कुछ भी हो। तो अगर आपने ल्यूसेंट करी हुई है वेल एंड सो गुड, नहीं की हुई है तो इसकी जगह आपने कोई ना कोई सोर्स तो किया ही होगा जिसमें ऐसे बेसिक फैक्ट्स दिए हों, वन लाइनर टाइप के रैंडम फैक्ट्स जो होते हैं, तो वो आप वहाँ से तैयार कर लीजिए। गोल ये होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आयोग पूछता है वो आपकी तैयार है कि नहीं। लूसेंट में वो चीज़ बहुत पहले से मिल जाती है, बहुत पहले से चली आ रही है ये किताब, तो इसलिए वो पॉपुलर भी है एंड उसमें आपको चीज़ें मिल जाती हैं। कहीं कहीं पर कुछ कुछ गलतियाँ भी हैं, ये भी बहुत ऑब्वियस बात है, लेकिन आप 1-2-3 बार पढ़ोगे और भी सोर्सेज पढ़ोगे तो आपको पता लग जाता है कि यार यहाँ पे ये चीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये गलत दी गई है या ये बात है, तो ये चीज़ आपको मालूम है। तो ल्यूसेंट पढ़ सकते हो, ल्यूसेंट की जगह कोई और पढ़ सकते हो। अब ल्यूसेंट भी कब पढ़नी है, ल्यूसेंट पढ़ने का भी मतलब समझो, घटनाचक्र आपने पढ़ी, आपने PYQ देखा, घटनाचक्र पढ़ा, घटनाचक्र में जो चीज़ आपको नहीं मिली या सफिशिएंट नहीं दी गई है वो चीज़ आपने ल्यूसेंट में देख ली कि यार कोई और फैक्ट दिए गए। हो सकता है किसी चीज़ के बारे में 10 फैक्ट हो, सपोज क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसके बारे में 10 फैक्ट्स हैं, अब 7 फैक्ट हो सकता है घटनाचक्र में दिए हों, 3 फैक्ट ना दिए हों, टोटल 10 हैं, तो वो हो सकता है 3 फैक्ट आपको ल्यूसेंट में मिल जाए। तो आपने एक बार गो थ्रू कर लिया कि यार मैंने ये तो पढ़ा हुआ है, ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, आई हैवंट स्टडीड दैट, तो मैंने वो देख लिया। तो इस तरह से आपको सप्लीमेंट करना है, PYQ से सप्लीमेंट करना होता है घटनाचक्र ल्यूसेंट को। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, 85% तक कंटेंट सेम होता है घटनाचक्र और ल्यूसेंट का। अगर आपने ल्यूसेंट कर लिया तो आपको घटनाचक्र में हेल्प मिलेगी, घटनाचक्र कर लिया तो ल्यूसेंट में हेल्प मिलेगी, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। टेस्ट सीरीज का फिर रोल क्या है, टेस्ट सीरीज का रोल ये है कि जो भी चीज़ें आपने PYQ में की हुई हैं, एक्सप्लेनेशन जो सोल्यूशन आपने देखा PYQ में, आपने घटनाचक्र किया, आपने ल्यूसेंट की, तो जो चीज़ें बच गई हैं, रह गई हैं, जो टॉपिक्स PYQ में आते हैं लेकिन वहाँ पर नहीं है जो आपने अभी तक पढ़ा है, तो उसको फिर आप टेस्ट सीरीज को सॉल्यूशंस में कर लो। जो टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन होता है, टेस्ट सीरीज सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, OMR में यू नो बबलिंग कर ली, ब्लैक जो गोले करने हैं वो आपने फिल कर लिया एंड बस आपने अपना क्वेश्चन देख लिया कितने नंबर आ रहे हैं एंड आप बैठ के परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, नहीं, इसलिए नहीं होता है। उसमें जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको तैयार करना होता है, उसमें से देखना होता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने गलत हुए, कितने सही हुए, और जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए, जो सही हुए उसको आपने एक्चुअल में अपनी नॉलेज के हिसाब से सही किया या फिर आपने यू नो एक इंटेलिजेंट गेस किया था, तुक्का लगाया था एंड वो आपको सही बैठ गया। तो ये सारी चीज़ें कौन एनालाइज करेगा, आप ही तो एनालाइज करोगे, ये होती है एनालिसिस, ये होता है टेस्ट सीरीज देने का असली मतलब। तो ये आपको चीज़ करनी है, टेस्ट सीरीज से जो चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिल रही वो आपको वहीं के वहीं तैयार कर लेनी है। तो ये आपका क्या होगा कि जो आपकी प्रिपरेशन में गैप था, जो आप स्टैंडर्ड सोर्सेज के पीछे सोचते थे ना कि अरे मैं 500 पन्ने की किताब पढ़ूंगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मैं पूरी स्पेक्ट्रम रटूंगा पढ़ूंगा तब मेरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगी, तो जो ये चीज़ होती है ना, ये अगर आपके पास समय कम है तो एक स्मार्ट तरीका होता है कि आपने PYQ देखा, घटनाचक्र देखा, ल्यूसेंट देखा, जो चीज़ आपको वहाँ से भी नहीं मिली वो चीज़ आपने तुरंत टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस में देख ली। अब एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, समझो इस चीज़ को, मान लो कि आपकी पॉलिटी वीक है, अब पॉलिटी के आपने 3 टेस्ट उठा लिए, सपोज किसी 3 कोचिंग के उठा लिए, एक आपने GS वर्ल्ड का उठा लिया, एक आपने PCS मंत्रा का उठा लिया, एक आपने DIIS का उठा लिया, कोई भी 3 उठा लिए रैंडम। अब आपने तीनों के सपोज 100-100 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, वो 100-100 क्वेश्चन आपने लगाए, तो उन 100-100 क्वेश्चन को आपने लगाया तो एक्चुअल में 100-100 टॉपिक होंगे, क्योंकि जब कोई भी अच्छी कोचिंग होती है, कोई भी अच्छा टेस्ट पेपर अगर होता है तो उसमें वो क्वेश्चंस पर प्रॉपर R&D करके तब बनाते हैं कि भाई आयोग किस तरह से पूछता है, टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड। ये बात आपको पता होगी कि मैं पिछले 4-5 महीनों से इस चीज़ पर फोकस करता हूं कि टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, सब नहीं पढ़ना है, सब पढ़ोगे तो फिर तुम्हें उतना ही ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, उतना रिवाइज करोगे नहीं तो फिर भूलोगे, एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगी, एग्जाम के पहले याद नहीं आएगा जो पढ़ा है वो भी भूलोगे, अल्टीमेटली पेपर खराब हो जाएगा। तो इसलिए सॉलिड पढ़ोगे, टू द पॉइंट पढ़ोगे तो रिवाइज कर पाओगे, रिवाइज करके जाओगे तो कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो एक्यूरेसी अच्छी होगी, क्योंकि जब 2 ऑप्शन बचेंगे तो उनके बीच में ये नहीं होगा कि आइदर और ये या ये, ऊपर वाला या नीचे वाला, ये नहीं होगा, BSE ए या डी, ये नहीं होगा, पता होगा ये है, आंसर चमक जाएगा, फ्लैश कर जाएगा कि ये है, तुरंत उसको आगे मारोगे, आगे बढ़ जाओगे, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ होती है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ में आपने उन सॉल्यूशंस को, उन सारी चीज़ों को तैयार किया।
इसके बाद में एक चौथा पिलर जो आपका आ जाता है वो आपका जाता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। करंट अफेयर्स में आप मैगजीन मंथली लेकर के आते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी। बिहार का भी दिया है, झारखंड का भी दिया है, बिहार का बजट दिया रहता है। कभी आज तक ये बताओ मुझे, कोई भी ऐसा मुझे क्वेश्चन बता दो कि बिहार का बजट या झारखंड का बजट आपके UBPSS एग्जाम में पूछा गया हो या आपके RVRO के एग्जाम में पूछा गया हो। कभी नहीं पूछा गया है, पूरे इतिहास में नहीं पूछा गया है। कभी नहीं पूछा गया कि वहाँ पर यू नो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वहाँ का राजस्व घाटा क्या था, वहाँ का रेवेन्यू डेफिसिट क्या था या क्या था, कभी नहीं पूछा गया। बट आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन में होता है, ना विश्वास हो जाकर के आप देख लो। तो इसलिए जो UPSC जिस तरीके के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पुट करता है, जिन चीज़ों पर वो फोकस करता है, उनको पहले तैयार करो। फिर आपके पास समय अगर बसता है तो फिर आपका जो मन आए वो पढ़ो, किसी भी सोर्स से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मेरी फ्री चीज़ों की बात हो, चाहे मेरा पेड कोर्स हो, मैंने उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पर फोकस किया है, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए भरोसा करिए, जितनी चीज़ें मैंने कराई हुई हैं सपोज पेड वरदान ग्रुप में, तो उतनी चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए पहले। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा, बिकॉज वो चीज़ें कम नहीं है। देखने में लगता है कि अरे 1000-2000 क्वेश्चन है, 2500 क्वेश्चन है, तो ये बहुत कम है। कम नहीं है वो, उन 1000-2000-2500 क्वेश्चन की जो वैल्यू है ना, वो आपको तब पता लगेगी जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करोगे। तो इसलिए करंट अफेयर्स पर अपना ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़िए। कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़िए। मान लीजिए कि चंद्रयान है, मान लीजिए कि आदित्य L1 है, या आपकी आयुष्मान भारत योजना है, ये सब चीज़ें अभी हॉट न्यूज़ रही हैं, इनके बारे में इतना ज़्यादा बात रही है। जैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें रही हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपको फोकस करना है, पढ़ना है आपको। मान लीजिए कि 3 स्टेट यूनिवर्सिटी UP में बनाई जानी है, तो कहाँ कहाँ बनाई जानी है पता होना चाहिए कि भाई गोंडा है, मिर्ज़ापुर है, या मुरादाबाद है, कहीं और है अगर सपोज। तो वो जो पर्टिकुलर टू द पॉइंट चीज़ें होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। सब नहीं पढ़ना है, सब पढ़ोगे उतना टाइम चाहिए। फिर अब वो आप अपने हिसाब से देख लो, या तो आप डेली 10-12 घंटे 13 घंटे पढ़ पाओ डेली, वो भी कोई गैप ना लो, कुछ ना लो, तो फिर आप सारी चीज़ें पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी यू नो R&D करते रहो आप। फिर तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ टू द पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज करंट अफेयर्स में सॉलिड नंबर होते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को देखा, आपको आंसर आता है, आपने तुरंत मारा टिक मारा, आगे बढ़ गए, 10 सेकंड के अंदर आपका जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। 5 सेकंड में आपने क्वेश्चन को देखा, 5 सेकंड में आपने आंसर लगाया, 10 सेकंड में आपका वो क्वेश्चन हो गया। टाइम बचता है उससे, इसलिए करंट अफेयर्स पर आपको ध्यान देना है और उसको अभी से पढ़िए। बहुत सारे लोग हैं जो बात के लिए रखे रहते हैं कि करंट अफेयर्स बाद में करेंगे, बाद नहीं होता है, पहले से करिए उसको। इसके बाद बात आती है रिवीजन की। रिवीजन आपको करना ही करना है। यहाँ से कोई भी कैंडिडेट अगर 2 घंटे से कब रिवीजन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया है पिछले 4 महीनों से 5 महीनों से 6 महीने से, या अगर इसके पहले से आप तैयारी कर रहे थे तो भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा था, वीडियोज़ भी आपने बहुत सारे देखे हैं, तो आप हर जगह से कुछ ना कुछ सीख रहे हो। अगर आप अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। मैं इसमें इधर उधर की कोई फालतू बातें नहीं बता रहा हूँ आपको, आपकी प्रोफेशन से संबंधित ही चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें आपने सीख रखी हैं, आप लगातार सीखते हो, इनको आप अप्लाई कब करोगे, एग्जीक्यूट कब करोगे, जो आपने पढ़ा है उसको आप कब लगाओगे, जब आपने रिवाइज किया होगा तब कर पाओगे वो सारी चीज़ें, वरना दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए जो भी पढ़ लिया है उसको ये रिवाइज तो करना ही करना है साइकिल्ड वे में। अब वो रिविज़न कैसे होगा, वो साइकिल आपको अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी। मैंने जो प्लान है वो ऑलरेडी दे दिया है, अब उसके हिसाब से आप कैलिब्रेट कर लिए। अगर आप सिंसियर हैं, मैच्योर हैं, तो मैंने ऑलरेडी PDF दे दिए, उसके हिसाब से आप कैलिब्रेट करिए कि मेरा पॉलिटी वीक है या हिस्ट्री वीक है, मेरी ज्योग्राफी वीक है या मेरी इन्वायरमेंट वीक है, मेरी साइंस वीक है या मेरी हिस्ट्री वीक है। ये आप अपने हिसाब से प्लान करिए एंड उसके हिसाब से अपना एक पर्सनलाइज्ड शेड्यूल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग चलिए। मैंने बाकी शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम अनुज चतुर्वेदी UPSC है, जिसको ना पता हो वो ज्वाइन कर सकता है। पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो ये रिवीजन आपको डेली करना ही करना है। अगर आप यू नो कहीं जॉब में हो, कहीं ऑक्यूपाइड हो, बिजी रहते हो, तो कम से कम 5 घंटे पढ़ो। आप 5 घंटे किस तरह से आप निकालोगे ये आपको देखना पड़ेगा। सुबह निकालो 1-2 घंटे या रात में यू नो 4-5 घंटे करीब निकालो, कुल मिलाकर के 5 घंटे आपको देने चाहिए। अगर आप फ्री हैं, आपके पास टाइम है, तो फिर आप 7 घंटे कम से कम निकालिए, 7 घंटे से ज़्यादा भी निकालिए, 8-8.5-9 घंटे भी अगर आप दे सकते हैं तो आप पुट करिए। बाकी जो लोग बिजी हैं वो जब छुट्टी उट्टी उन्हें मिलती है, सपोज जैसे आज 25 दिसंबर है, बाकी सब लोग रेस्ट करेंगे, आपके पास यू नो अगर टाइम बाकी दिनों में नहीं रहता तो आप आज पढ़िए। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि नंबर कम आ रहे हैं, तो इसका बहुत सीधा सा लॉजिक है, अपनी कमियाँ तलाशिए। 150 नंबर का पेपर जैसे आ रहा है, 140 नंबर का पेपर आ रहा है, GS के 140 क्वेश्चन है, 140 में से आपने 120 अटैम्प्ट किए, 120 में से आपके 20 गलत हुए, 100 सही हुए। तो जो 20 गलत हुए इसमें देखिए क्यों गलत हुए, मुझे आता था, मुझे नहीं आता था, मैंने ये टॉपिक बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, या ये टॉपिक मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे 2 ऑप्शन के बीच में डाउट हुआ, 2 ऑप्शन मैंने हटा लिए थे, 2 के बीच में मुझे डाउट हुआ। तो आपको अपनी कमियाँ पता लगेंगी कि आपका रिवीजन कम है, या आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, या फिर आप फैक्ट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, या फिर आप कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पाते हैं, किस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं जो आपको प्रॉब्लम करते हैं, ये होता है पूरी एनालिसिस। ये आप करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। 50 टेस्ट लगाओगे कोई फायदा नहीं है, 5 टेस्ट लगाओ लेकिन इस तरह से लगाओ आपके नंबर बढ़ जाएंगे। रिवाइज आपको करना पड़ेगा, जो चीज़ आपकी गलत हो रही है उसको पढ़ो। ये होती है अपनी कमियां तलाशना।
एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना अटैम्प्ट जानिए। यहाँ से 1.5 महीने बचे हुए हैं, हर व्यक्ति को भले ही वो 5 टेस्ट दे या 4 टेस्ट दे या 2 टेस्ट दे, एक टेस्ट आपके पास है वही लगा लो, लेकिन उसमें ये जानो कि आपका अटैम्प्ट कितना है, कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हो, कितने आपके सही होते हैं, कितने आपके गलत होते हैं, और आप कितने क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट करने वाले हो। बहुत बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बहुत छोटी बात लग रही होगी अगर इस चीज़ पर ध्यान नहीं दोगे तो। ये आपको अभी तक डिसाइड कर लेना चाहिए इधर 1 हफ्ते में 10 दिन में कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हो। एक अप्रॉक्स पेपर अगर मॉडरेट आता है तो उसके हिसाब से आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, कितने आपके ऑलमोस्ट गलत होते हैं, कितने आपके ऑलमोस्ट सही होते हैं, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ आपने 4 महीना 6 महीना 2 महीना 1 महीना प्रैक्टिस की हुई है एग्ज़ाम में वही निकलेगी। एग्ज़ाम में सडनली ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह उठोगे जोश में जाओगे कि आज तो मैं पूरे 100 में 100 सही कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ आपने ओवर द पीरियड सीख रखी है वही आप एग्ज़ाम में रेप्लिकेट कर पाओगे। तो अभी से आप प्रैक्टिस करो। 140 नंबर का जीएस का पेपर है, पहले उसमें ज़्यादा भी अटैम्प्ट करो, फिर कम भी अटैम्प्ट करके देखो, देखो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, और अपनी एक्यूरेसी पर काम करो, रिवीजन से एक्यूरेसी बढ़ती है। यही पूरी चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपने इतना कर लिया, प्रीलिम्स आपका किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं बहुत ही सिंपल वे में, सॉर्टेड वे में मैंने आपको समझाई हुई हैं। लाइक इनको अगर आपने समझा हुआ है और इनको इंप्लीमेंट कर ले गए तो आपका प्रीलिम्स किसी हालत में नहीं रुकेगा। एक मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यहाँ से रहेगी आप सभी लोगों से, देखिए बहुत जल्दी यूट्यूब पर 40,000 लोग जुड़ जाएंगे, हम सब लोग 40,000 हो जाएंगे। टेलीग्राम पर ऑलरेडी 25,000 से ज़्यादा लोग हैं, बहुत कम समय में ये आंकड़ा आया है। सब आप लोगों का ट्रस्ट एंड बिलीफ है, आप लोगों का सपोर्ट है, अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर यहाँ से, आप भी ये चीज़ जानते हैं और मुझे भी चीज़ का बहुत आभास है। थैंक यू सो मच इन सभी चीज़ों के लिए। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर हब है उसको निभाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और आज तक जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग यू नो जिनसे भी मेरी बात होती है, वो जानते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, सुबह का 4 बज रहा हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, जितना मेरे से हो पाया है मैंने मैक्सिमम हर एक कैंडिडेट को, हज़ारों लोगों से मेरी बात हो चुकी है पिछले 4-5-6 महीनों में, एंड मैंने सभी को मैक्सिमम वे में चीज़ें शेयर की हैं, बताता हूँ, समझाता हूँ, शेयर करता हूँ, चाहे वो यूट्यूब कॉमेंट्स हों, चाहे वो मेल हों, चाहे वो पर्सनलाइज्ड मैसेज हो, सब तरह से मैं करता हूँ। अब क्या होता है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, जैसे आरयूआरओ प्लेन्स का एग्जाम पास आ रहा है, 1.5 महीना बचा हुआ है, यूपीपीसीएस का भी एग्जाम बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्चुअली जितने भी लोग आरयूआरओ के लिए लगे हुए हैं तो वो भी यूपीपीसीएस पर उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रॉपर यूपीपीसीएस वाले हैं वो तो लगे हुए हैं क्योंकि उनको आरयूआरओ देना नहीं है, तो यूपीपीसीएस के लिए भी 17 मार्च को पेपर है, तो देखा जाए तो टाइम नहीं बचा है। इधर के 5 दिन है जो कि ऐसे ही निकल जाएंगे न्यू ईयर बनाने में, देन उसके बाद में आपके पास बेसिकली 2.5 महीने हैं, 2.5 महीने कुछ नहीं होते हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए जिस तरह से अब पेपर आ रहा है। सो मेरे पास डेली बेसिस पे आपने YouTube कमेंट्स देखे होंगे बहुत सारे आते हैं, मैसेज जो मेल होते हैं मेरा इनबॉक्स भरा रहता है, कम से कम 60-70 मेल आजकल डेली आते हैं, और सब सिंसियर जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि यू नो बेसिक चीज़ें एकदम पूछ रहे हैं या समथिंग, एकदम सिंसियर कैंडिडेट्स हैं। और उसके अलावा पर्सनलाइज्ड मैसेज, बिकॉज पता है मेरा नंबर पब्लिक है, तो मेरे पास कम से कम 500 से 550 मैसेजेस हर टाइम पड़े रहते हैं, तो सबको रिप्लाई करना चाह कर भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। कितना भी चाहूँ मैं पूरे दिन लेकर के भी अगर बैठा रहूँ तो मैं नहीं कर पाता हूँ, एंड कहीं ना कहीं बहुत डिले हो जाता है। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस चीज़ में थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिए, मैं जितना ज़्यादा हो पाता है खुद ही करता हूँ। वरना एक चीज़ समझिए, यूट्यूब और ये जो टेलीग्राम है ये आप ही लोगों के लिए है, इनके थ्रू मैं एक बार में बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ और वो हज़ारों लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती है। जैसे अगर मैंने कोई मुझे चीज़ आपको बतानी है, मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाया, हज़ारों लोग तक वो बात जा सकती है, टेलीग्राम पर भी सेम चीज़ है। तो आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप टेलीग्राम और यूट्यूब ज़रूर देखा करिए। मैसेज में बात हो पाए ना हो पाए, कोई आपने चीज़ बताई मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो उसको ऐसा मत सोचिए कि मैं आप पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ या मैंने आपके पास सुनी नहीं है। हर एक कैंडिडेट मेरे लिए वैल्यूएबल है, मेरे लिए मैटर करता है, आपकी हर एक चीज़ मेरे लिए मैटर करती है। जो भी चीज़ें आप शेयर करते रहते हैं मुझसे, मान लीजिए आपने मुझसे कोई डाउट शेयर किए तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आगे पीछे बहुत जल्द से जल्द टाइम निकाल करके उसके बारे में या तो यूट्यूब वीडियो में आपके लिए बात करूँगा उसके बारे में, या फिर मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। और ये मैं करता चला आ रहा हूँ, जितने भी लोग आप लोग जुड़े हुए हैं चीज़ आप जानते हो, एंड मैं आगे भी करता रहूँगा। देखिए मुझे आपसे इस चीज़ में बहुत सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक चीज़ आप समझिए कि यूपीपीसीएस भी दूर नहीं है, आरयूआरओ 1.5 महीने हैं। अगर मुझे टाइम रहेगा, अगर आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट रहेगा, मेरे पास टाइम रहेगा, तो इन 1.5 महीनों में मैं आपके लिए वो चीज़ें शेयर कर दूंगा यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर, कि आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि भैया ने क्या बता दिया या सर ने क्या बता दिया। बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे शेयर करनी है अभी, एंड कहीं ना कहीं मुझे भी उस चीज़ को लेकर के थोड़ा स्ट्रेस है, बिकॉज मुझे शेयर करनी है एंड मेरे पास यू नो टाइम का एक क्रंच आता है। तो इस चीज़ में मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मैं लगातार वीडियोज़ बनाने वाला हूँ अभी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नोट्स मैं फ्री में सब देने वाला हूँ, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे वो यूपी स्पेशल में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, यूपी स्पेशल के बारे में बात करूँगा, पॉलिटी के बारे में बात करूँगा, एग्रीकल्चर के बारे में बात करने वाला हूँ, सब चीज़ें नोट्स में कराऊँगा, वीडियोज़ में बनाता हूँ, उसके बाद मैं यू नो जैसे ही थोड़ा सा फ्री होता हूँ उसके बाद मैं स्कैन करके चीज़ें डाल देता हूँ। तो उसके लिए बिल्कुल भी यू नो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई चीज़ मिलेगी नहीं तो आप रिवाइज़ कैसे करेंगे या समथिंग। इसके अलावा आप लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं,
जो भी आते हैं, ज़्यादातर जो आते हैं, उन पर या तो मैंने पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है या फिर मैं आगे बना दूंगा। तो मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ शेयर की तो मैं आपको रिप्लाई नहीं भी कर पाया, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको भूल गया या मैंने यू नो ध्यान नहीं दिया या मैं उसको लाइटली ले रहा हूँ, नहीं, मैं आगे पीछे उसके बारे में बात डेफिनेटली करूँगा अगर वो जेन्युइन चीज़ है। होता क्या है कि जैसे सपोज मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में बताया हुआ है कि लगे आइए की टेस्ट आप लगा सकते हो, पीसीएस मंत्रा लगा लो, जीएस वर्ल्ड लगा लो या कोई भी एक है, मैंने बताया हुआ है, मैंने 50 बार बताया। अब सपोज़ मेरे पास 50 मैसेज आ रहे हैं, उसमें 40 ऐसे ही होते हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है। अब हर किसी को सेम चीज़ मैं नहीं बता सकता, तो वो बेटर है कि मैं एक यूट्यूब वीडियो में बता दूं कि भाई ये आप कर सकते हो, बहन ये आप प्लीज़ देख सकती हैं। तो इससे क्या होता है, एक ही बार में आप 10 लोगों तक पहुँच पा रहे हो। तो आई होप कि आप इस चीज़ में मेरा एक सपोर्ट करोगे। इसके अलावा जितने भी लोग वरदान मेरा जो पेड ग्रुप है जो करंट अफेयर्स वाला उसमें जुड़े हुए हैं, उनको भी किसी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको रिप्लाई नहीं भी कर पा रहा हूँ, जिसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया या यू नो कोई चीज़ छूट जाएगी। सारी चीज़ें टाइम टू टाइम, चाहे वो वरदान हो उसमें बताता रहूँगा, जो ये पब्लिक ग्रुप है अनु चतुर्वेदी UPSC इसको मैं इसमें सारी चीज़ें यू नो टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा, एंड कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। यूट्यूब पर भी लगातार वीडियोज़ आते रहेंगे, चीज़ें शेयर करता रहूँगा। और जो लास्ट समय में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, ऐसे 1.5 महीना रह गया है, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने अगर कर ली तो तुरंत आपके नंबर बढ़ेंगे, तुरंत आपको फायदा करेंगी वो सारी चीज़ें आपकी प्रिपरेशन में। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से मैं शेयर करता रहूँगा। डेली भले ही एक वीडियो आएगा, लेकिन आएगा और उसमें काम की चीज़ एकदम बताई गई होगी, क्योंकि 1.5 महीना जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी वैल्यू मैं समझता हूँ। तो मैं ऐसी ही चीज़ें आपको शेयर करूँगा, बताऊँगा जो आपको डायरेक्ट प्रिपरेशन में हेल्प करे। बस आपको लगातार लगे रहना है और परेशान नहीं होना है। बाकी बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर जो मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको मैं प्रॉपर शेड्यूल कर दूँगा, लाइक ऑर्गेनाइज कर दूँगा कि भाई इसमें ये यहाँ पर ये है उसको मैं बता भी दूँगा। तो उसमें फिल्टर्ड वीडियोज़ रहेंगे, बहुत ही सेलेक्टेड वीडियोज़ रहेंगे, सारी चीज़ें नहीं रहेंगी कि सब देख लो, पूरी प्लेलिस्ट उठाई 400 वीडियो देख लो। अब 400 वीडियो देखने का टाइम ही नहीं है, तो ये सब काम मैं नहीं करता, ना ही मैं पहले कभी किया है ना ही अभी करता हूँ। तो मैं टू द पॉइंट जो जो चीज़ें आपकी प्रिपरेशन में डायरेक्ट हेल्प कर सकती हैं सब्जेक्ट वाइज या जो जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी एक अलग प्लेलिस्ट बना करके बता दूंगा। तो कोई अगर नया कैंडिडेट भी है उसको अलग चीज़ें समझनी है तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच वो समझ पाए कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बिकॉज कल को यू नो कल को और थोड़ा सा लोग बढ़ेंगे और मेरे ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा। तो मैं हर किसी को लेकर के साथ में चलना चाहता हूँ, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी UPSC के लिए भी शेयर करनी है, उसके लिए भी बहुत जल्दी मैं यू नो एक शेड्यूल बनाने वाला हूँ। टारगेट्स वगैरह तो ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से यू नो आज आप बहुत बेटर कर पा रहे हो। तो वो मैं आपसे शेयर कर पाया, क्यों शेयर कर पाया, बिकॉज यू नो आपका सपोर्ट था, विदाउट योर सपोर्ट इट वॉज नॉट पॉसिबल किसी भी तरह से एट एनी कॉस्ट। तो इसलिए इसी तरह से आप बस अपना एक भरोसा बनाए रखिए, ट्रस्ट बनाए रखिए, मैं अपना 100% यहाँ से देता रहूँगा। मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें रुक जाएंगी या यू नो चीज़ें आपके लिए आएंगी नहीं, हमेशा आती रहेंगी, एंड वो एक बियॉन्ड किसी भी पेड कोर्स या उसके रहेगा, इस चीज़ का भरोसा रखिए। बस डेली पढ़ते रहिए, आप कोई भी चीज़ शेयर करेंगे, मैंने आपको रिप्लाई भले ही नहीं किया लेकिन वो चीज़ आपको यूट्यूब वीडियो में या टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। और बस लगातार लगे रहिए, मुझे सिंसियरिटी चाहिए, मुझे वो गंभीरता आपके अंदर चाहिए, क्योंकि यहाँ से RO UPSC दोनों के लिए ही टाइम नहीं है। आज आप पूरे दिन रेस्ट करिए, ब्रेक लीजिए, लेकिन इसके बाद में कल से जब आप लगेंगे तो फिर आगे के जो 3 महीने हैं होली तक का समय वो आपके लिए बहुत ही क्रूशल होने वाला है। थैंक यू सो मच। आई एम नॉट श्योर कि आप यहाँ तक इस वीडियो में आएंगे या नहीं आएंगे, बट अगर आएँ तो यार थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो अनु चतुर्वेदी UPSC है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मैं ऐसे ही शेयर करता रहता हूँ, जो भी नोट्स हैं उनकी PDF हैं और भी जो भी टारगेट्स हैं शेड्यूल हैं सब शेयर करता रहता हूँ मैं। तो आप जुड़े होंगे तो आपको मिल जाएगा, 25,000 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं और ये सब 4-5 महीने के अंदर हुआ है, ऐसा नहीं है कि 3 साल से हुआ है। तो इसका मतलब कुछ क्रेडिबिलिटी है, कुछ चीज़ है, कुछ आप लोगों के लिए किया जा रहा है, इसीलिए ऐसा है। तो सब लोग एक दूसरे को जुड़ो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, मिल करके आगे बढ़ो। यूट्यूब है, पहली बार आए हो, वीडियो पहली बार वीडियो देखा है, कुछ सीखने को मिला करे, कुछ जानने को मिला करे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फ़ायदा ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से चीज़ें आपको समझ में आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, वहाँ देखिए, लेकिन अपने टाइम को वैल्यू दीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। आज लेकिन रेस्ट प्रॉपर करो, कल से पढ़ना। थैंक यू।